रानी को अगर नागिन का ऑफर मिले तो क्या नागिन सीरियल वो करेंगी? क्या वो कुछ और सीरियल करेंगी अगर सीरियल का ऑफर मिले? क्या बिग बॉस 17 में वो इस वक्त जाना पसंद करेंगी? ऐसे काफी सारे सवाल हैं जो कि आप लोग एक दूसरे से करते रहते हैं, मनीषा से आप लोग पूछते रहते हैं। तो मनीषा रानी ने उन्हीं क्वेश्चन का जो है अब आंसर दे दिया है। जहां पर बड़े सीरियल की अगर बात आई तो मनीषा रानी ने यही बात बोली है कि कोई कलर कलर टीवी और स्टार प्लस बड़े जो चैनल्स हैं, अगर मुझे कोई भी चीज़ ऑफर कर रहे हैं, मेन लीड अगर ऑफर कर रहे हैं तो मैं सोचूंगी डेफिनेटली। पर जैसे कि मैं ऑडिशन देने गई थी, मेरी लाइफ में पहली ऑडिशन थी ये, वहाँ पर मुझे अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के वो करेक्टर जो है वो प्ले करना पड़ा, मुझे काफ़ी समय लगा। तो अब अगर कुछ चीज़ आई भी तो भी मैं करूँगी तो ज़रूर, पर मुझे पहले अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मनीषा रानी का जो टोन है वो आप लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बिहारी टोन है, पर कुछ शब्द जो है वो मनीषा के क्लियर नहीं है। पर ऐसे सीरियल्स वगैरह में अगर है, सीरियल्स में अगर ऑफर मिल रहा है, मेन लीड ऑफर मिल रहा है, तो उनके पूरे लैंग्वेज जो है बहुत क्लियर रहनी चाहिए। तो इसी के ऊपर जो है मनीषा रानी को काम करना पड़ेगा और उसके बारे में ही वो बात कर रही है। और रही बात बिग बॉस 17 की, बिग बॉस 17 के बारे में बहुत ही क्लियर आंसर जो है मनीषा ने दिया। आज तक मैंने नहीं सुना, मैंने मेरी जहाँ तक नॉलेज है किसी भी सेलिब्रिटी ने इतने क्लियर से आंसर नहीं दिया। मनीषा ने ये बात बोली है कि अब बहुत ज़्यादा प्यार मिला है मुझे, पहले इसको बटोर लूँ और देखेंगे आगे आगे, कभी समय मिला कभी मौका मिला जाने का तो आगे जाएंगे, पर इस बार नहीं। इस बार क्यों नहीं? क्योंकि अभी प्यार तो मिल रहा है, अभी बहुत सारा काम है, वो सब चीज़ें करना है, अपने ऊपर और ज़्यादा काम करना है, काफ़ी अच्छी अच्छी हीरोइन हीरोइन बनना चाहती है, डायरेक्टर्स के साथ वो ऑडिशंस दे रही है। तो मनीषा का कहना ये है कि जब करियर डाउन होता है या करियर खत्म होने वाला होता है तब बिग बॉस में जाना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये बात सही है, मैंने काफ़ी बार सुना था, मतलब कि जिन लोगों का करियर चल नहीं रहा होता, जो मार्केट में दिखाई देना बंद कर जाते हैं सेलिब्रिटीज़, वो सेलिब्रिटीज़ को जो है फिर लेके आता है बिग बॉस, कि उनकी एक नई पहचान जो है रियलिटी शो में बन के बाहर निकलती है। और ये बहुत ही खुले अंदाज में जो मनीषा रानी ने बोला है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। यानी कि मनीषा रानी अभी अपने ऊपर कर रही है काम, अपनी लैंग्वेज को और भी ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और बिग बॉस 17 भाई इस साल तो वो नहीं करेंगे अगर ऑफर भी आ गया। ये बात सही है, नहीं भी करना चाहिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।